अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव के आवाम से गुजारिश है कि हम लोग बाग फातिमा सर्वे नंबर 81/3 से कुछ महिलाएं यहाँ पर जमा हुए हैं। कहाँ पर जमा है? ना अजीज मुल्ला के ऑफिस के पास। हम लोग 10 साल से अजीज मुल्ला के ऑफिस पर आ रहे हैं। हम लोग के मोहल्ले में रास्ता नहीं है, सब रोड गटर नल नहीं है और पानी की बहुत बड़ी समस्या हम लोग के इधर है। 7 साल से पाइप लाइन डाली गई हुई है मगर मेन लाइन जोड़ के दी नहीं जा रही। कारपोरेशन में धरना दिए और मालेगांव के जितने मेंबरान है हम सबके ऑफिस पे गए और सबको हमारे मोहल्ले में लाए हैं और सबको हमारे मोहल्ले का सर्वे कराया है और यहाँ आने के बाद लोग हमें तसल्ली भरा जवाब देकर चले जाते हैं। और जब जब रमजान महीना आता है हम तमाम औरतें हंडों के साथ कारपोरेशन में धरना देती हैं और वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता है। और क्या बोलते हैं बड़े लोग कि यहाँ रास्ता नहीं है, तो क्या कारपोरेशन सो रही है कि यहाँ की आवाम के लोग बड़े सो रहे हैं? अगर हम लोग का रास्ता ब्लॉक है, प्लाट बिक चुका है रोड का, तो क्या यहाँ के लोगों के अंदर इतनी औकात नहीं है कि जगह के तौर पर हम लोग को एक प्लाट खरीद कर रोड दे दी जाए? है कि हम लोग की आवाम के लिए मतलब मौत मट्टी के लिए कोई सहारा हो जाए? हम लोग पैसा देकर वहाँ रह रहे हैं, अब गरीब बस्ती के लिए इतनी औकात नहीं है कि वहाँ से बेच कर दूसरी तरफ जाए? तो क्या यहाँ की आवाम, यहाँ के सेठ, यहाँ के मेम्बरान सो रहे हैं? आवाम आवाम की खिदमत के लिए बड़े बड़े वादा करते हैं, सबसे बड़ा काम सवाब जारी है नहर खोदवाना, आज यहाँ पानी के लिए मुसलमानों को मुसलमान तरसा रहे हैं, तो बड़े बड़ों का दावा करके क्या फायदा है यहाँ के आवाम के लिए? वाले बच्चे बहुत देर रहते, हमारी बहन बेटियों की भी इज्जत का सवाल है, उनको नहीं भेज सकते हम बीमार सीमार, हम पानी भरने जाते तो ये मुसीबत कब तक साइन करेंगे हम? रास्ते की समस्या है और गटर की, गटर भी नहीं है। और सबसे मेन बात, हम लोग का जो पूरा प्लाट है पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, हम लोगों को आगे रास्ता नहीं है। हम जैसे जैसे गुजार रहे आगे हमारे बच्चों का क्या होगा कि उनको रास्ता नहीं रहेगा, हम कहाँ जाएंगे? कॉर्पोरेटर के पास सब हम लोग 10 साल से हम लोग जा रहे हैं और ये अजीज मुल्ला जो है हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर है, हमको सिर्फ हरा बाग दिखाए वो 10 साल के अंदर। और किस्मत हम लोग की खाली हम लोग की मतलब हम लोग की गली में उतने गटर बनी है बस, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। अरे इन लोग की तरफ नहीं गटर भी नहीं है, नहीं भी काम हुआ है, हमको कोई सहूलत नहीं है। कॉर्पोरेशन तमाम आमदार और कॉर्पोरेटरों से हम लोग थक चुके हैं, हर जगह दौड़ दौड़ के परेशान हो चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज हम लोग आगरा रोड हाईवे जाम कर दिए थे, हर कोई लिए निकल रास्ता हमारा सब तरफ से रास्ता ब्लॉक है। हमको रास्ता नहीं है तो हम किसी को रास्ता नहीं देंगे, हमको हर चीज की सहूलत होनी चाहिए। हम भी इंसान है ना, हम भी कॉर्पोरेशन से हर चीज की तमन्ना रखते हैं कि हमको भी हर चीज की सहूलत मिले। पूरा महिला हम लोग का ब्लॉक है, हम लोग कहीं से भी नहीं निकल सकते। अगर आज हम लोग का रास्ता कोई सुनवाई नहीं हुई ना तो हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये लोग बड़े बड़े मेंबर लोग ये सब हम लोग को खाली तसल्ली देते हैं, तो हम लोग कब तक बर्दाश्त करना ये सब? भैया आने जाने के लिए कोई रास्ता कोई जगह है? इतना साल से हम लोग को परेशानी हर एक चीज की है, हर तरफ है तो रे मतलब सब कुछ बन रहा है, रोड गटर खंबा सब कुछ आ रहा है। हम लोग को 15 साल से कुछ भी सहूलत नहीं दिए, हमको आते हैं बोलते हैं हम तुम्हारे लिए रोड बना देंगे, हम तुम्हारे लिए गटर कर देंगे, हम तुम्हारे लिए नल कर देंगे, पैसा नल का पैसा भी लेकर गए हैं मगर हमारे लिए कुछ नहीं करे 10-15 साल से। आज से भी नहीं करे, आज से 5 साल पहले अजीत मुल्ला आए थे, चलो हम गटर कर देंगे, हम नल कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम लोग को ट्राली में भर भर के ले गए, हंडा ले लेके गए हम लोग कारपोरेशन, मगर हम लोग के बाग फातिमा महल्ले में कुछ नहीं हुआ। उनका जो देवी का महल्ला है वो हम लोग का सुधार लिए। मैं आपको बताती हूँ, चल हमारे पास जब इनको अभी ये याद नहीं कि हमारा मसला ही क्या है तो उनका ये 5 साल पहले की बात क्या याद रहेगी? अभी आकर क्या बोले इनका क्या मसला है पूछ लो, जब इनको ये अभी वक्त की बात नहीं याद है तो 5 साल पहले की इनका क्या बात याद रहेगी? ये हमारे गली में आकर आराम लुटाने वाले, खारा पानी बंद करो, मैं तुम्हारे हाथ मीठा पानी का विकास लाया हूँ, पाइप लाइन है आज तक जुटी नहीं, कनेक्शन नहीं हुआ। हाँ आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया? हाँ कर दिया है, हाँ सब किया है। उसके बाद हम लोग को मोहम्मद साहब आए जो पानी के है, वो आए, वहाँ के कमिश्नर आए और जितने यहाँ के बड़े मेंबरान है सब आए, सब ने सर्वे किया, आखिरी में क्या बोला यहाँ रास्ता ब्लॉक है। तो यहाँ के मेंबरान के पास मुस्लिम है वो बड़े हैं, है ना, अगर यहाँ के लोग पलाड़ बेच के खा गए हैं तो हर मुसलमान 10 रुपया जकात देंगे तो हम लोग को एक पलाड़ खरीद कर हम लोग के लिए मीठे पानी का पाइप आ जाएगा। क्या इतनी आवाम के लिए यहाँ पे इंसानियत नहीं है किसी के अंदर? मैं आवाम से बात कर रही हूँ कि यहाँ की आवाम के पास इतना नहीं है
कि 10 रुपए जकात के तौर पर देकर सबसे बड़ा काम है सवाब जा रही है। उनको पानी का रास्ते पानी ले जाने का पाइप ले जाने का रास्ते नहीं मिला था, इसलिए वो रुका है काम। अब इधर जब चालू होगा तो होगा उनका। हमारा 10 से 15 सालों से हमको पानी और रास्ते की तकलीफ है। 10 सालों से 15 साल सुनो मेरी बात, अभी उनको 10 साल हुआ बच के नहीं हुआ। अमृत योजना की पाइप जो है ना हमारे कार्यकाल के 1 साल के बाद डाला गया है, 10 साल कहाँ से हो गया? आपके यहाँ हुआ? किसके यहाँ हुआ 10 साल? सवाल पूछने का हमारा है। अरे कहे हम नहीं पूछ सकते आपसे? बिल्कुल पूछेंगे ना। आप बोल रहे 10 साल तो आपको क्या मालूम आज लिया आप? नहीं नहीं नहीं, आवाम बोल रहे तो पूछे ना, उसका जवाब दीजिए ना। ये बोल रहे हैं अभी 5 साल हमको हुआ आपके पहले अमृत योजना का पाइप, आपको मालूम होना चाहिए कितने में कब पास हुआ, कब डाला गया है। आपने कितना काम किया अमृत जल योजना में? अमृत जल योजना के तहत आपने कितने करोड़ का काम किया आपके इलाके में? करोड़ का तो हिसाब नहीं रहता, हम लोग को जो मिलता उतना डाले। अमृत जल योजना के फंड के द्वारा क्या आपने पूरे इलाके में पानी की व्यवस्था करवाई? पूरे इलाके में लगभग टोटल जगह पाइप लाइन डाली गई और सब चालू हो गया। इनके यहाँ एरिया में वो टाइम पे रास्ता मिला नहीं पानी ले पाइप ले जाने का, मेन लाइन से पानी ले जाने का रास्ता नहीं मिला, पाइप डाल के ऐसे पड़ा। अब ये रास्ता दे, अभी पाइप लाइन का काम हो जाए। रास्ता कौन नहीं दे रहा? रास्ता ही नहीं है, ब्लॉक एरिया है, इसके लेआउट में नक्शा नहीं है। अरे लेआउट है ही नहीं ना, कच्चे जगह हम डाले हैं, हमको मालूम है। अच्छा, तो ये बसे हुए अतिक्रमण है? अतिक्रमण नहीं है भाई, अतिक्रमण नहीं है, कच्ची जमीन है, पक्की जमीन है, गोठान जमीन है, क्या है? गोठान जमीन है, कच्ची जमीन है और रिजर्व जमीन है, उसमें कुछ रिजर्व आवाज के लिए देती है। हाँ तो इसके लिए खड़े रहते हैं कि उनकी नुमाइंदगी आप वहाँ करें महानगर पालिका में 24 घंटे ड्यूटी है। जब भी फोन करे कोई एक आदमी एक बच्चा भी नहीं बोल सकता कि हमने फोन नहीं उठाए और तुरंत आए, हम दसाना थे फिर भी भाग के आए। क्या मतलब, एक घर ले रहा था उसको 2 लाख रुपया दे रहा था तो भी नहीं दिया उसने, कुछ पैसे भी रह गया तो उनका वो छूट गया, रह गया पानी। कोई समाधान हो सकता है? करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे, जद्दोजहद उसका चालू है हमारा, काम करेंगे तो करेंगे, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बोलने का भाई, अब हर आदमी का तरीके अलग रहता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है।